आरएसएस कार्यालय पर देर रात दबंगों ने हमला कर दिया। यही नहीं, उपद्रवियों ने जमकर संघ कार्यालय पर पत्थरबाजी करते हुए आरएसएस के महानगर प्रचारक और कार्यकर्ताओं को पीटा। कार्यालय की दीवार पर टॉयलेट करने का विरोध करने पर जमकर बवाल हुआ। हमले की सूचना पर विश्व हिंदू परिषद और भाजपा नेता भी मौके पर पहुंच गए। आनन फानन में आरएसएस कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आरएसएस कार्यालय पर हमला करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस ने आरएसएस कार्यालय पर हमला करने वाले 50 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। सदर बाजार थाना क्षेत्र के मोहल्ले टाउन हॉल स्थित आरएसएस कार्यालय पर देर रात 40 से 50 दबंगों ने अचानक हमला बोल दिया। हमलावरों ने आरएसएस कार्यालय पर जमकर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी भी की है। आरोप है कि दबंगों ने आरएसएस के सेवकों के साथ मारपीट भी की है। आरएसएस कार्यालय पर हमले की सूचना पाकर रात में ही जिले के तमाम भाजपाई और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और पुलिस से हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की मांग करने लगे। बताया जा रहा है कि आरएसएस कार्यालय की दीवार पर टॉयलेट कर रहे व्यक्ति को मना करने पर यह विवाद हुआ है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने बताया कि आरएसएस कार्यालय की दीवार पर टॉयलेट करने से मना करने पर मारपीट हुई, जिसके बाद 40 से 50 लोगों की भीड़ ने आरएसएस कार्यालय में तोड़फोड़ की है। एसपी ने बताया कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और 50 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है। हमारे यहाँ अगर किसी बालक का सिर फट जाता तो हम तो मर जाते, हमारा क्या होता? हम सब श्रद्धा का केंद्र है और यहाँ पर जो इस तरीके की बदतमीजी कोई आदमी करके और चला भी गया और आपके संरक्षण में गया, संरक्षण में गया। वो सुन आपने बोली हमारी सुन घटना महत्वपूर्ण होती तो हम यहाँ रख लो इतनी तेज आके, ठीक है? हमें मालूम है क्या है घटना, क्या सूचना मिली है। एडमिशन साहब अगर आप ये बताइए मेरे किसी बालक लिखिए, ऐसा है मंजीत मंजीत जी भाई साहब लिखिए, सीओ साहब सुनो, सीओ साहब खिलाफ भी लिखिए, तहरीर इनको सीओ साहब खिलाफ भी लिखिए और इनके खिलाफ भी, जो कोई आप लोगों को दिखाने चला है आप थाने पर चले, वहाँ चले, चलो साहब थाने चला, चलो और कुछ हमारे खाने में पत्थर फेंके जा रहे हैं भाई साहब। अरे मंजीत जी भाई साहब, आप इनसे विषय हमारा संगठन से विषय मत करिए, बात मत करिए, अब आप इनसे बात कराओ, क्या जलवायु को बुलाइए, हमें बुलाइए, शासन के बड़े भारी थाले में यहाँ पे बाद हुआ, क्या पूरी घटना बताइए? अराजकता का माहौल पूरे जिले के अंदर है, मर्डर हो रहे हैं, उसकी ओर पुलिस प्रशासन को ध्यान नहीं दे रहा है। आज यहाँ पर पूरे शाहजहाँपुर, कई बार मैंने यहाँ शिकायत की, यहाँ पे लफ्जियात का मामला चलता है, कई बार यहाँ भीड़ भाड़ लगी थी, पूरी दुकानों से पूरा सजा रहता है। यहाँ पे हमारा पवित्र स्थल अर्थात उसे कहें हम जो संघ कार्यालय है, हमारा श्रद्धा का केंद्र है, वहाँ पे बहुत बड़ा कार्यालय, जिले का संपूर्ण पूरा कार्यालय यहाँ पे रहता है। यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, बड़े बड़े मंत्री विधायक आते हैं, उसके बाद भी यहाँ पे कोई उसकी सुरक्षा व्यवस्था नहीं कराई जाती है। उसी क्रम में यहाँ पे जो है कई बार लोग पेशाब करने जाते हैं, कार्यालय के सामने खड़े हो जाते हैं, नंगे खड़े हो जाते हैं, उसको मना किया गया, उसने तत्काल प्रभाव से हमारे एक अधिकारी ऊपर हमला कर दिया, कार्यकर्ताओं ने रोका, वहाँ जो स्टूडेंट रहते हैं, छात्र रहते हैं, पढ़ते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनके ऊपर डंडों से हमला किया गया, ईंटा पत्थर चलाए गए, हमारा जो श्रद्धा का केंद्र है उसके ऊपर ईंटा पत्थर चलाए गए और करीब 100-150 की संख्या में लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही और उनको भगाती रही और उन्होंने जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया, कोई भी उसमें से
किसी भी प्रकार के जो इस तरीके से अराजक थे उनको किसी भी पुलिस ने पकड़ा नहीं और सुरक्षित जाने दिया। जब हम लोगों ने दबाव बनाया तब कहा मैं पकड़वा रहा हूँ, घुसवा रहा हूँ। ये जघन्यतम एक तरीके से श्रेणी में आता है, इसकी निंदा की जाए, जितनी भी पुलिस की उतनी निंदा की जाती है। और चूंकि ये संघ का मामला है, जो विभाग मान्य विभाग कार्य तय करेंगे उसके अनुसार पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी। मांग क्या है? मांग तत्काल भी संघ कार्यालय में एफ आई आर दर्ज की जाएगी, तहरीर लिखी जा रही है, उनके खिलाफ एफ आई आर हो, तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी हो, जो पुलिसकर्मी इसमें दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था लगाई जाए, संघ कार्यालय पर पुलिस की सुरक्षा लगाई जाए, क्योंकि हमारा श्रद्धा का केंद्र हो, यहाँ पर लगातार पदाधिकारी आते हैं, हमारे विभाग प्रचारक रहते हैं, हमारे संगठन मंत्री रहते हैं, उनको सुरक्षा के लिए कोई ध्यान नहीं दे, उसको सुरक्षा लगाई जाए और यहाँ पर पूरा ये परिसर खाली कराया जाए, ये हमारी मांग है। अगर में हम लोग आंदोलन करने के लिए बात दूंगे घटना हुई उसको लेकर अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? अभी जो घटना है वहाँ लड़का पेशाब करा था, लोगों ने मना किया तो उसमें गाड़ी देखे तो सूचना मिलने भी और उसमें मारपीट हुई और कुछ लोगों ने शायद पछाव भी किया है, ऐसी सूचना मिली और इनके तहरीर लेकर मुकदमा कैम्प किया जा रहा है, जिसने भी गर्द किया है। अभी दिक्कत कांग्रेस ही थे, अभी यहाँ पर आए थे नहीं, वो उनके ऑफिसर है, सब ऑफिसर है अपने ऑफिस में ऐसी। यहाँ पर इकट्ठे हुए क्या वजह क्या? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारा मात्र संगठन है और उसका हमारा ये श्रद्धा का केंद्र है जो कार्यालय है, यहाँ पर भीड़ लगती है, गुंडों और बदमाशों की भीड़ लगती है, पुलिस कोई ध्यान नहीं देती है, लगातार यहाँ पे वो सामने कार्यालय के सामने पेशाब करते हैं, इसको जब रोका गया तो उन्होंने हमला कर दिया हमारे कार्यालय पे, हमारे श्रद्धा का केंद्र है उस पर ईंटा पत्थर चलाए गए, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, डंडे चलाए गए, हमारे जो अधिकारी हैं उनका अपमान किया गया, पुलिस के संरक्षण में वो यहाँ पे हजारों लोग गाली देते रहे लेकिन पुलिस उसका संरक्षण करती रही और उनको यहाँ भगा दिया और अरेस्ट करने के बजाय उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए हम लोग ये अभी चूंकि मात्र संगठन का मामला है, अभी तो जो निर्णय ये लोग लेंगे उसके बाद नेता हम लोग दो दो हाथ करने को हाथ में तैयार रहते हैं। सरकार बीजेपी की है, पुलिस क्या कर रही है? पुलिस काम पुलिस केवल पैसा पैदा करने में लगी हुई है, कोई काम नहीं करती है, किसी हाल के ले लो लिख के दे देते हैं कि वहां जा रहा हूं, कोई काम नहीं करती है पुलिस। तमाम तरीके हत्याएं हो रही है, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, फायरिंग हो रही है, क्या कुछ कहना है? इससे कोई मतलब नहीं है, पुलिस को केवल मैनेजिंग कर रही है और कोई काम नहीं कर रही है पुलिस। तमाम तीन यहां पे मंत्री बड़े हुए उसके बावजूद लॉ एंड ऑर्डर यहां पर बेकार है, क्या कुछ? बिल्कुल इसके लिए कहीं ना कहीं जो मुखिया घर का गड़बड़ होता है तभी गड़बड़ होता है। इस पार्क में लगातार लड़कियां पकड़ी जाती है उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती, क्या नहीं? यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है, कई बार मैं शिकायत कर चुका हूँ, यहाँ दुकानें लगती है, छेड़छाड़ होती है, यहाँ हिंदू मुस्लिम लफ्जियात होता है, लेकिन पुलिस केवल अपनी ड्यूटी करती है, यहाँ QRP खड़ी रहती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या माने वसूली होती है यहाँ पर? भाई साहब इससे और क्या ज्यादा कहा जा सकता है? क्या इससे ज्यादा कुछ हो सकता है कि यहाँ पे हमारे संघ कार्यालय के सामने यहाँ पे भीड़ लगी रहती है, हम लोगों को निकलने परेशानी होती है, हमारे कार्यकर्ता को निकल नहीं सकता, यहाँ पे लगती चशिया लगी रहती है, कोई पुलिस ध्यान नहीं देती है, यहाँ क्यों चशिया लगती है, किसके लिए लगती है, कौन जिम्मेदार इसके लिए? न्याय नहीं मिलेगा, क्या कुछ करेगा हिंदू हम लोग? अब ये है हमारा श्रद्धा का केंद्र कार्यालय है, यहाँ पर ईंटा पत्थर चलाने वाले को जवाब दिया जाएगा और जो इसमें संरक्षण करेगा उसको भी जवाब दिया जाएगा। देखिए बरेली में घटना हुई और आपको बता दें गाजियाबाद जो घटना हुई है, लोहार वहाँ हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए ऐसा है, अगर इसी तरीके से पुलिस का ढीला हवाला रहा और यही पर डरपोक बना रहा तो निश्चित रूप से हर जगह वही हाल होगा जो आपके हरियाणा में हुआ, जो आपके बरेली में हुआ। लेकिन ये ध्यान भूल जाओ, ये बरेली नहीं होगा, शाहजहांपुर में आग लगा दूंगा, फिर उसके बाद में बात बस नहीं करूंगा, किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश अवस्थी है, हिंदुत्व का काम करता हूँ, जिंदा हिंदुत्व के लिए हूँ, मरूंगा भी हिंदुत्व के लिए, मेरी तरफ मेरे हिंदुत्व की तरफ उठने वाली अगली हाथ काटने का काम करेंगे। कल रात को करीब 10 बजे यहाँ पर एक सुशांत गुप्ता नाम के व्यक्ति के द्वारा दीवार पर पेशाब किया जा रहा था, संघ का जो कार्यालय उसके सामने, जब यहाँ से संघ के व्यक्तियों के द्वारा उसको जब मना किया गया, उसके द्वारा गाली गलौज की गई, मारपीट की गई, फिर उसके पक्ष के लोगों के द्वारा यहाँ पर आकर मारपीट और तोड़फोड़ की, इस संबंध में जो तहरीर प्राप्त हुई उसमें कठोर धाराओं में मदद कर लिया गया है, इन लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है, साथ ही साथ जो अन्य लोग हैं उनके वो CCTV वगैरह से आइडेंटिफाई किया जा रहा है और आगे की जो मैदानी कार्रवाई होती जा रही है। जो मांग कर रहे थे लगातार जो मांग थी कि इसके ऑफिस वो उनके पदाधिकारियों से हमारी बात हुई, उसके ऊपर जो भी उसमें न्याय संगत होगा, जो भी जांच में सामने आएगा उसके आधार पर बात होगी। ये माना जाए कि अभी स्थिति सामान्य है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी सामान्य है। सलामी और आतंकवादी विचारधारा के लोगों ने
हमारे संघर्ष श्रद्धा का केंद्र जो कार्यालय है उस पर हमला किया। उसके बाद यहाँ पे पुलिस जो है मूक दर्शक बनी रही, उनके सामने यानी पे पत्थर फेंके जाते रहे, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर जो है हमले होते रहे, लेकिन यहाँ के पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। और उसके बाद अभी तक जो मूल मेन जो है उसका मूल में है, अर्थात अमन नाम का व्यक्ति अभी तक पकड़ा नहीं गया है। यहाँ पर SP साहब को बुलाया गया, यहाँ मक्खन पास करने के लिए हम लोग काम करते हैं, उससे बैठाना चाहिए था, कहना जब तक अमन गिरफ्तार नहीं होता है तब तक आपको यही बैठना पड़ेगा। इस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, ये परिचय के दृष्टि से हम लोग परिचय नहीं करते। हमारे संघ पे हमला, हमारे हम पे हमला है, हमारे कार्यालय पे हमला तो हम पे हमला है, इसलिए चूंकि संघ का निर्णय है, नेतृत्व वो निर्धारित है, अन्यथा किसी दिन तो अभी बताते हैं ईंट से ईंट बजाते प्रशासन की कि हमारे अगर यही अभी किसी विधर्मी के द्वारा विधर्मी के कार्यालय पे हमला हो गया होता तो SP और DM घुटनों पे पड़ा होता, वहाँ आज हमारे संघ कार्यालय पे हमला होता है और SP देखने नहीं आता है, फोन 20 बार फोन करने के बाद यहाँ मक्खन लगाने आता है, मुझे उसे डूम बनना चाहिए। आश्वासन दिया गया, क्या कुछ कार्रवाई हुई अभी तक? केवल मक्खन मालिक है, अभी तक 307 में FIR दर्ज नहीं की गई है, जान से मारने के लिए से फायर किया गया, 307 नहीं बनाई, आपने क्या उसमें काम किया? कोई काम नहीं किया गया है। ये ड्रामाबाजी बंद होने चाहिए, ये हमले बंद होने चाहिए, इनको औकात बतानी होगी। मैं चूंकि ये मामला हमारे मत संगठन से है इसलिए धैर्य रखा हूँ, जब तक इनका नेतृत्व का आदेश नहीं होगा और जिस दिन आदेश होगा प्रशासन की ईंट से ईंट बजाने का काम करूंगा। भारत।